तो सर शुरुआत करते हैं इन तस्वीरों से छुपी हुई शुक्रवार की फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हुई थी बैंक के मर्जर को लेकर। सरकार की मंशा बहुत साफ है कि देखो तीन बैंकों के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो प्रेजेंटेशन मिस्टर राजीव कुमार दिखा रहे थे तो उससे लग नहीं रहा था कि कुछ भी खराब हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। 27 से 12 बैंक बनने वाले हैं, हमारे और आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? 27 से 12 बैंक बनने की प्रोसेस में इतिहास नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा तो भविष्य। जो कुछ पास्ट में हो चुका है, जो कुछ बैंक्स कर चुके हैं अलग अलग रहकर, वो तो बदलने वाला नहीं। अब वो एनपीएस की तरफ इशारा तो नहीं? हाँ, मेरा इशारा बिल्कुल साफ तौर पर एनपीएस की तरफ है। हाँ, जो एनपीए हो चुके वो तो हो चुके, आगे फ्यूचर में इन बैंक्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करके, एक मजबूत बैंक के साथ कुछ कमज़ोर बैंकों को मर्ज करके आप एक अलग एंटिटी बनाना चाहते हैं, इरादा ठीक हो सकता है, लेकिन जो कुछ बदलेगा फ्यूचर में बदलेगा। फ्यूचर में क्या बदलेगा? शायद बैंक्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से गवर्न किया जाएगा, बैंक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से लेंडिंग करेंगे, वो तो अब वैसे भी झटका खाने के बाद करना शुरू कर चुके हैं जो इतने झटके एनपीए के लगे हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ हद तक ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ सकती है, हालांकि वित्त मंत्री जी ने साफ कहा कि वो नौकरियां नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी एक इलाके में अगर तीन बैंकों की ब्रांच है तो हो सकता है एक ब्रांच से काम चल जाए, तो वो खर्चे आपके ज़रूर आगे चलते हुए बच सकते हैं। लेकिन मार्केट के लिए क्या है? मार्केट के लिए पीएसयू बैंकों के मर्जर में कुछ भी अच्छा नहीं है। और अगर आप ये देखें कि अगर जहाँ तक मेरे डेटा मुझे अच्छे से याद है, बैंक ऑफ बड़ौड़ा के विजया और देना के साथ मर्जर के वक्त बैंक ऑफ बड़ौड़ा 140 रुपये का दाम हुआ करता था, जब मर्जर हुआ 105 का दाम होता था, और आज उससे भी नीचे है। तो मर्जर के बाद कोई मजबूत बैंक को फ़ायदा हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये खबर मजबूत बैंकों के लिए ख़राब है, कमज़ोर बैंक तो कमज़ोर ही हैं, उनका तो कुछ होना जाना है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई पीएनबी, कोई कैनरा बैंक जैसे मजबूत बैंक हैं उनको झटका लगेगा, कोई इंडियन बैंक हैं इनके लिए बड़ी नेगेटिव खबर है। पहली चीज़ क्यों खबर है नेगेटिव, उसकी एक बड़ी कारण ये है डिम्पी कि जब भी इस तरह के मर्जर होते हैं तो अल्टीमेटली आप इस बात से देखेंगे कि मर्जर का रेश्यो क्या है, जो जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले किसी भी बैंक की सही बुक वैल्यू क्या है वो निकालनी पड़ेगी, तभी आप रेशियो निकाल पाएंगे। मार्केट प्राइस पर तो मर्जर नहीं करेंगे। अब वो सही बुक वैल्यू जब निकालने की वक्त आती है, आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौड़ा के मर्जर के वक्त जो जब ये दोनों बैंक मर्ज हुए और जब पहला रिजल्ट आया तब बैंक ऑफ बड़ौड़ा के मैनेजमेंट ने भी ये कहा था कि हमारी एसेट क्वालिटी अब सुधरेगी। उसके बाद लगातार 2-3 क्वार्टर तक उन्होंने लोगों को निराश किया। वो कहते हैं ना कि स्केल्टन्स बाहर आते हैं कब्रों में से। तो जब ये बैंक्स मर्ज होंगे आप अपना एनपीए जो कुछ दबाया छुपाया हुआ है वो बताओ, आप भी अपना बताओ। कुछ मजबूत बैंकों के भी छुपे होंगे, कमज़ोर बैंकों के तो ढेर सारे छुपे होंगे। तो अगले 2-3 क्वार्टर मेरे लिए ख़राब हो गए इन बैंकों के लिए। और ऐसी सिचुएशन में मैं मार्केट के एंगल से इसे पॉजिटिव नहीं देखता। हो सकता है आज से 3 साल 5 साल बाद ये बैंक्स का मर्जर पॉजिटिव साबित हो, लेकिन आज मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है, आज इन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो शॉर्ट टर्म तो डेफिनेटली नेगेटिव है, इसमें कहीं कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और अगले 2-3 क्वार्टर मार्केट इन बैंक्स के रिजल्ट्स को बहुत क्लोजली देखेगा, एसेट क्वालिटी को बहुत क्लोजली देखेगा कि एक्चुअल एसेट क्वालिटी क्या। आप कई बार कहते हैं ना कि बैंक्स अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अरे बुक वैल्यू के नीचे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सस्ते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि एक्चुअल बुक वैल्यू क्या है? हो सकता है एक्चुअल बुक वैल्यू उतनी भी ना हो। तो अब ये जो प्रोसेस है अगले 6 महीने का 9 महीने का वो मार्केट के सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है बैंकों का मर्जर होना, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं, लॉन्ग टर्म में देखते हैं कितना फ़ायदा होता है। अभी तक बैंक ऑफ बड़ौड़ा के मर्जर से कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव मुझे नज़र नहीं आया जिसकी वजह से मैं ये सोचूं कि हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार के सारे बैंक एक दूसरे से कॉम्पीट करें, झगड़ें, मैं पहले पैसा दूँ, मैं ज़्यादा पैसा दूँ, वो चीज़ बंद हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा, वो कंपटीशन बंद हो जाएगा, वो अच्छी बात है, लेकिन वो सब मीडियम लॉन्ग टर्म में है। हमें तो आज मार्केट खोलना है फिर से, और आज के लिए अच्छा नहीं है। दो सवाल और हैं सर। पहला, उदय कोटक साहब ने भी ट्वीट किया है जी, उन्होंने कहा है कि बैंक का मर्जर वैसे तो ठीक है ये, अगर वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर ले जी। एक पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, फिर सरकार के पास चारा क्या? इन छोटे बैंकों को फिर तो बंद होने के अलावा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि कितना पैसा कैपिटल इन्फ्यूजन के तौर पर दे चुके हैं, फिर कैसे इन बैंकों को ठीक किया जाता अगर मर्जर नहीं होता? देखिए, मैं बैंकिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ और इतना बड़ा एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं ये बता सकूँ कि सरकार को कमज़ोर बैंकों के साथ क्या करना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि एक कमज़ोर बैंक और एक मजबूत बैंक मिलकर मजबूत बैंक बन सकते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखने में कोई हर्ज नहीं है।
शायद किसी कमज़ोर बैंक को बंद करने के मुकाबले में बेहतर फॉर्मूला हो सकता है, पॉसिबल है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि कमज़ोर बैंक मजबूत बैंक नहीं बन सकता एक मजबूत बैंक के साथ मिलकर, लेकिन अल्टीमेटली इंटीग्रेशन के इश्यूज़ होते हैं। आज कोटक ने करूर वैश्य बैंक खरीदा है तो उन्हें 2 साल 2.5 साल लगे, जबकि वो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हो सकता है आप कह सकते हैं कि सरकारी बैंकों की मानसिकता एक जैसी होती है तो जल्दी से इंटीग्रेट हो जाएंगे, लेकिन फिर वो मानसिकता भी कैसी है, तो वो इंटीग्रेशन भी कैसा। तो कुल मिलाकर आप किस तरह से इंटीग्रेट कर पाते हैं, किस तरह से एफिशिएंटली कर पाते हैं। मुझे अच्छी बात जो लगी वो ये कि बैंकों को चलाने के लिए बाहर से प्राइवेट सेक्टर से वो एम्प्लॉयज लेने की बात कर रहे हैं। फ्रेश ब्लड, नई थिंकिंग, कुछ अलग तरह के लोग जो सिस्टम से बाहर से आकर कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो अगर सरकार करेगी तो वाकई में इन बैंकों का मर्जर फायदेमंद होगा। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इसका जवाब मेरे पास है नहीं डिम्पी। इसलिए इसका, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता। शायद बैंकिंग के एक्सपर्ट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं कि इन कमज़ोर बैंकों से निपटने का क्या तरीका, क्या इनको बंद ही कर दिया जाए या फिर ये दूसरा कम खराब तरीका है कि मजबूत बैंक के साथ मर्ज कर दो। अब इसमें दोनों बात हो सकती है, आप बैंक को मरने नहीं दे रहे हैं, और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मजबूत बैंक को आप धीरे धीरे मरने की तरफ ले जा रहे हैं। दोनों चीज़ हो सकती है, क्या होगा फ्यूचर में मुझे नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर ये कि ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेप लेना ज़रूरी था सरकार को। सरकार ने ये स्टेप ठीक समझा, ये लिया, उम्मीद करते कि ये सही साबित हो, अच्छी बात है कि अगर मजबूत बैंक कमज़ोर बैंक को बचा ले, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो जो गिवन सिचुएशन है उसमें वित्त मंत्री जी को ये ठीक लगा तो अच्छी बात है, उम्मीद करें कि फैसला सही साबित हो।